किसी ने क्या खूब कहा है, कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह आत्मसंतोष लाती है। प्रसन्नता व आत्मसंतोष एक दूसरे के पूरक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम जानेंगे कि संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या होती है। तो चलिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे कीमती वस्तु। राजा महेंद्रनाथ हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे। विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है, जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान बनवाया था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं थीं। हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की कि जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति उस उद्यान से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकारा जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी उद्यान में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने में लग गए। कई हीरे जवाहरात लाते, कई सोने चांदी, कई लोग पुस्तकें, तो कोई भगवान की मूर्ति, और जो बहुत गरीब थे वे रोटी, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत उस नौजवान से प्रश्न किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हें उस उद्यान में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आए हो? राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूं, मैं तो सबसे अमूल्य धन उस उद्यान से लाया हूं, नौजवान बोला। तो तुम क्या लाए हो? राजा ने पूछा। मैं संतोष लेकर आया हूं, महाराज, नौजवान ने कहा। क्या संतोष इनके द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से भी मूल्यवान है? राजा ने पुनः प्रश्न किया। जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती है। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है, अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा। नौजवान को लाखों लोगों में चुना गया और उसे राजपुरुष के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि संतोष ही सबसे बड़ा अमूल्य धन है, अमूल्य वस्तु है, जिसके जरिए हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सकते हैं बिना कष्ट किए। और प्रसन्नता हमेशा आपके पास रहेगी अगर संतोष आपके पास है। इसलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।